आसदान बताना 3-2-1। ठीक सॉरी यार, हो नहीं रहा। टू मच। आप देख रहे हैं 420 ग्राम का एक नया एपिसोड। ये है 20 मिनट का छोटा एपिसोड। छोटा एपिसोड इसलिए क्योंकि ये थोड़ा न्यूजी एपिसोड है। अब अगर आप हम चारों लोगों की शक्लें दे सकते हैं, यू प्रीटी मच नो हु आवर एंटायर क्रू इज। दिस जयदीप बासु सर, दिस सिद्धांत आनी, दिस वैभव रघुनंदन, एंड माय नेम इज अर्जुन। और अगर आप सिद्धांत और वैभव की शक्लें देख रहे हैं तो उनकी शक्लों पर एक अलग ही ग्लो है जयदीप सर। मैं का मतलब ऐसा लग रहा है नहा के आया है शो के लिए। अभी बुंदेसलीगा देख के आया। वही एक ही कारण है कि फुटबॉल हमारे टीवी स्क्रीन्स पर वापस आ गया, विदाउट फैंस दैट इज ऑफ कोर्स, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और उसी के बारे में दैट फर्स्ट राउंड, इफ आई कैन कॉल इट ऑफ सॉर्ट्स पोस्ट कोरोना वायरस, और नॉट पोस्ट कोरोना वायरस बट इन दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक एरा, दिस फर्स्ट राउंड ऑफ बुंडेसलीगा फुटबॉल दैट वी सीन, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। डॉर्टमुंड प्लेड डॉर्टमुंड एंड एरिंग हालैंड was of course as ruthless as ever, then Robert Lewandowski continued doing the job for Bayern Munich. तो उसके बारे में बात तो करेंगे, गेम के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, पर पहले सब्जेक्टिवली कि अपने को, क्योंकि हम चारों के चारों फुटबॉल लवर्स हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं और काफी मैचेस देखते हैं, तो कैसा लगा कि विदाउट एनी फैंस, विदाउट एनी पीपल इन द स्टेडियम, यू आर प्रीटी मच हियरिंग वॉट ऑल द प्लेयर्स आर टॉकिंग अबाउट। वैभव इन अ प्री एडिट मीट मेड अ वेरी नाइस पॉइंट कि इट रिमाइंडेड हिम ऑफ अ सेकंड डिविजन आई लीग गेम। जो गालियां चल रही थी वो जर्मन में थी, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, वरना सब कुछ सेम था। आप सुन सकते थे कोचेस क्या बोल रहे हैं, खाली स्टेडियम था ऑफकोर्स, जो थोड़ा अजीब था स्पेशली फॉर फर्स्ट गेम, क्योंकि वो डॉर्टमुंड के स्टेडियम पे हो रहा था, और डॉर्टमुंड का स्टेडियम में अगर एक सीट खाली हो तो मतलब थोड़ी शर्म आ जाती है उन लोगों को। बट आई मीन मुझे तो बहुत पसंद आया, एंड इसलिए मैं दो बार नहाया था एक्चुअली सैटरडे को, एक बार मैच के पहले और एक बार मैच के बाद, बिकॉज मैंने सोचा कि यार हर मैच के लिए एक बार नहाना चाहिए। गंगा जल किसमें इस्तेमाल किया फिर, कौन से वाले? गंगा जल जब डॉर्टमुंड जीती उसके बाद। सही है। मैं देख रहा हूँ कि सिद्धांत कह रहे हैं क्या है ये, यहाँ पे गंदी सी बातें हो रही है, तो वापस फुटबॉल पे ले आऊंगा। जयदीप सर कैसा लगा आपको? Without any fans, football एक तरफ आ गया, लेकिन अलग किस्म का माहौल था। मुझे थोड़ा artificial लगा, maybe I was uncomfortable, that could be one of the reasons, or I am not used to it. I'm what I have watched for the last so many years, maybe 40-50 years, or whatever I've watched, nothing can be compared with this. ये मुझे लगा थोड़ा, मतलब जो मुझे artificial लगा उसके पीछे गेम कितना है, उसके पीछे मैं कितना हूं, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे एक चीज लगा, विच आई एम अफ्रेड टू से, मुझे लगा कि ये जरूरत था क्या, ये मुझे लगा। दो चार महीने, एक महीना बाद ही कर लेते तो क्या, कौन सा प्रॉब्लम हो जाता, मुझे ये लगा। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा फोर्स्ड है और कुछ नहीं। अगर आप 22 आदमी को ग्राउंड के अंदर उतार दें, एंड दे आर हाईली स्किलफुल प्लेयर्स, दे आर यूज्ड टू सच लाइफ फॉर देयर एंटायर ऑफ देयर लाइफ्स, दे नो व्हाट टू डू वंस दे गेट इनटू द ग्राउंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा जबरदस्ती हो गया। इट्स अ स्टेज मैनेज्ड शो, इट्स अ परहैप्स अ रिहर्स शो, मुझे इतना लगा। सिद्धांत के घर में भी लोगों को काफी अच्छा लगा है, क्योंकि वो एक महीने बाद नए तो, एंड ऑल द पीपल जिन्होंने बुंडेसलीगा देखी है, सिद्धांत ने सबसे ज्यादा मिनट देखे। सर बताएंगे असल में कितने मिनट देखे आपने इस वीकेंड में बुंडेसलीगा? इतने डायरेक्ट सवाल पूछोगे अर्जुन पंडित तो तुम्हारी पोल खोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा जनाब। 20-20 मिनट का शो है, डायरेक्ट आने डायरेक्ट आना पड़ता है यार। I watched जितने मिनट का शो है उससे कम मिनट देखे।
डिप्लोमेटिकली पर हमारे शोज तो कभी कभी 3 घंटे के भी होते हैं, तो नहीं कारण कारण सिर्फ ये है कि कोई एक तो इट्स नॉट अ लीग दैट आई हैव इन एनी केस वॉच मच ऑफ और हैव फॉलोड मच, सो आदत नहीं है आई गेस. There was a lot of excitement to see कि ये जो resumption है football का दोबारा थोड़े break के बाद जो matches देखने को मिल रहे हैं तो कैसा लगेगा, क्या होगा, what will the players reaction भी उनका body language क्या indicate करेगा, तो interesting था as and I guess मतलब I don't know it's supposed to be a derby game, I don't to be honest ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इस league के बारे में. मतलब आर्टिफिशियल आई एग्री, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल तो लगा, थोड़ा बहुत फनी भी लगा कि लाइक मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बिकॉज जैसे लाइक जो प्लेयर्स बेंच जो डगआउट था वहां पे आप फिजिकल स्पेसेस रख रहे हैं, डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड पिच पे लाइक जयदीप वाज सेइंग 22 प्रोफेशनल लौंडे घुसे हुए हैं एंड दे आर एट इट एज इट एंड इट इज अ कंपेरेटिव फिक्स्चर राइट, इससे इनके लीग स्टैंडिंग में फर्क पड़ता है तो वो उसी हिसाब से खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये समझ में नहीं आया कि पॉइंट क्या है, क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम इधर हैं exactly. एक साइड पे हैं दूसरी साइड पे हैं, थोड़ा मडल है, बट आई गेस शुरुआत अच्छी है और कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड फिगर्स आए ब्रॉडकास्टर्स के पास जो अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमने मैंने देखा नहीं है, बड़ा अंदाजा लगा सॉरी ISL का रिकॉर्ड टूट गया सर, बिकॉज वो ISL अभी रिज्यूम नहीं हुआ है, आप थोड़ा नवंबर तक क्या कहते हैं विश्राम कीजिए, जब आएगा तो दैट इज न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा आपने यहाँ पे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया, विश्राम बोल दिया आपने, मुझे लगा मराठी लड़का बोलेगा थाम्बा. सच सच बता दूं, देखो जी हमारे शो की खासियत क्या है कि हम सच सच मजाक उड़ा सकते हैं और सच सच बोल भी सकते हैं. तो मैंने कुल मिला के 7 मिनट देखा है, ठीक है जी, उस 7 मिनट में डॉर्टमंड ने एक गोल भी मार दिया पर उसके पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मजा नहीं आया. एंड ये सब्जेक्टिव तरीके से बोल रहा हूँ कि मतलब कोई फैन है नहीं और मतलब खेल रहे हैं, एंड ऑनेस्टली वो सेकेंड डिविजन वाले दिनों याद आ गए कि मैं जाता था क्या कहते हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में, वहां पे लजोंग खेल रहा है टू गेट क्वालिफाइड टू द आई लीग, आई वाज देयर दैट टाइम, मैं पूरा उनको शो बना रहा था, जी स्पोर्ट्स पे काम कर रहा था उस टाइम, और वैसा ही फील आया. हालांकि एक और नजरिया ये है क्योंकि मैंने काफी शोज देखे हैं टॉकिंग अबाउट दीज गेम्स, बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज टॉकिंग अबाउट इट, नॉट जस्ट इन फुटबॉल, बिकॉज होता क्या है कि अब अगर डॉर्टमंड और बुंडेसलीगा ने इन अ सेंस आपको चार्ज दे दिया है, दिखा दिया है कि हम कर रहे हैं, चाहे जो भी हालात हो हम कर रहे हैं, हम आपका नॉर्मलसी रिज्यूम कर रहे हैं, एंड अंटिल द टाइम वी डोंट हैव समवन हू इज टेस्टिंग पॉजिटिव, दैट इन इटसेल्फ कैन गिव अ बूस्ट टू अदर स्पोर्ट्स हु आर वांटिंग टू रिज्यूम, बिकॉज वी ऑल नो दैट द मेजर रीजन फॉर ऑल दीज पीपल वांटिंग टू रिज्यूम व्हाट जयदीप एंड एनी वर सेइंग राइट नाउ इज दैट दे ऑल कैश क्रंच है और ब्रॉडकास्टर मनी जो आपको इतना मिस करने वाले थे, नाउ द ब्रॉडकास्टर कांट टर्न अराउंड एंड टेल यू कि भैया ये से 10 रुपए बचे हुए थे हमारे ब्रॉडकास्ट मनी के, आप 10 रुपए नहीं देंगे क्योंकि आपके बाकी के मुकाबले हैं नहीं. It's a little bizarre situation, but उनके नजरिए से भी देखो ना भाई कि खर्चे उतने हैं, पैसे उतने उनके लॉस हो रहे हैं, तो and if everyone is on board, the German government is on board, ऐसा तो है नहीं. I'm just saying कि इसे अगर हमारे इंडिया में हम सोचे कि हम रिज्यूम करना चाहते हैं क्योंकि हमने बुंडेसलीगा देख लिया क्या हो रहा है, तो एक अलग ही सिचुएशन है क्योंकि एक जर्मन OCD level should I say they operate like robots to a sense, कि मतलब उनके तौर तरीके, उनकी साफ सफाई, जिस तरीके का प्रिसिजन डाला जाएगा, the way it will be followed. मैं तो हमारे इसकी बात कर रहा हूँ, पर ये तो बकवास है. लेकिन अर्जुन आप अगर पूरा मैच देखा होता डॉर्टमंड वाला तो आप क्लियरली देखते हैं, अगर हाफ टाइम पे जब निकल के जा रहे थे प्लेयर्स, 2-3 डॉर्टमंड के प्लेयर्स, ये गाइडलाइंस में उनके लिखा हुआ है कि प्लेयर्स विल नॉट स्पिट ऑन द फील्ड, प्लेयर्स विल स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसी सब चीजें बात की हुई है. ब्रॉडकास्ट में आप देख सकते हैं प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं, 2 डॉर्टमंड प्लेयर्स घूम के थूकते हैं,
फील्ड पे। तो आप जो सी थिंग इज आप ये किसी भी दिखावे की बात हो गई ना, आप नहीं, आप किसी भी चीज की नई शुरुआत करोगे चाहे आप जाएं जहां भी शुरू करो, उसका क्रॉसओवर करने में थोड़ा तो टाइम समय लगेगा, कुछ भी आप कर लो उसके बारे में। मतलब इट्स अ लिटिल हिपोक्रिटिकल आल्सो, लाइक एनी वाज सेइंग कि मतलब बेंच में आपने इतना गैप छोड़ा exactly. और फील्ड पे मतलब आप टू तड़ा कोनिया मार रहे हो, बिल्कुल आप बॉल में खड़े हैं तो चार लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, बॉल पे खड़े तो ऑफकोर्स वो थोड़े है, बट नहीं तो लाइक आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई डोंट नो लाइक मे बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम 420 ग्राम जो हमारा शो है काफी टाइम से हम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हम यूरोपियन फुटबॉल या इंटरनेशनल फुटबॉल के बारे में बात नहीं करते हैं अनलेस कोई ऐसा इवेंट होता है जहां पे हमारे रिपोर्टर हमारे लोग हों मौजूद जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं क्या सिचुएशन है और बता रहे हैं हमें, राइट। सो इस केस में लाइक पंडित से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पूरी दुनिया में यही फुटबॉल हो रहा है और पूरी दुनिया इसी के बारे में बात कर रही है, तो हम और जो हमारे आप लोग हैं शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन, राइट। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग, आई मीन फॉर एग्जांपल जो लोड ये ले रखा है आपने, आधा तो दुनिया या आधी दुनिया लॉकडाउन मोड में है, ठीक है, कि आप लोगों को अपनी नौकरियां करने से मना कर रहे हैं, अपने काम पे जाने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पेट पे लात पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज स्पोर्ट को हमने मतलब और ही कुछ बना दिया है, राइट। एक तो हम क्या हम कह रहे हैं कि लाइक एथलीट्स आर ओके टू बी पुट एट रिस्क फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ अदर्स, इज दैट द लॉजिक दैट वी आर प्रोसीडिंग? बट इफ दे आर सेइंग वी आर डूइंग अ फुल प्रूफ प्लान बट यू विल नॉट बी नो नो बट फुल नो वन इज कमिंग फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव, सो देन माय क्वेश्चन इज अगर हमारे पास बुंडेसलीगा के पास फुल प्रूफ प्लान है तो प्लीज वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करें ताकि हम सब भी उसका फायदा उठा सके। इतना मुश्किल नहीं है ना, उतना मुश्किल नहीं है ना। नहीं आई गेट इट, सो दैट्स व्हाट, सो दोस आर माय स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर दिस, लाइक आर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बीइंग ईयरमार्क्ड फॉर दिस, जो बिकॉज हम कह रहे हैं कि लोड पड़ रहा है आजकल हेल्थ केयर पे, ठीक है, और जिस भी देश में आप जाएं दिस इज द केस। अब अगर टेस्टिंग की बात ही करें तो टू मेक श्योर दैट एवरीवन हु प्लेज इन द बुंडेसलीगा सॉरी इज COVID-19 नेगेटिव means before a match, after a match, you're regularly testing the same group of players again and again every time they are coming into contact with each other, right? So how many resources for the rest of the world are being diverted to this select group of individuals for what purpose? I mean, I understand that. I know you want to come in, but मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ। देखिए जी, आपकी जर्मन सरकार ने अगर आपको गो हेड दिया है, सरकार ने गो हेड दिया है, सरकार ने अगर गो हेड दिया है तो ये सारे चीजें टेबल पर रखी होंगी। नहीं नहीं 100% हेल्थ केयर, विल इट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर हेल्थ केयर इफ यू आर नॉट, और ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनने जो अपना डिसीजन दिया है, पहली बात। और रही बात आप जो थूक वाली बात कह रहे हो ना, मेरे को यार ये तो बात समझ में नहीं आती गाइडलाइन में, क्योंकि क्रिकेट में भी यही बात हो रही थी कि आप थूक नहीं लगा सकते बॉल पे, सो शुड टैम्परिंग बी अलाउड, राइट। मैं कह रहा हूँ अगर आप क्रिकेट क्या होता है, एक लोकप्रिय गेम है मेरे दोस्त और काफी लोग 10 लोग देखते हैं हमारी देश में, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप एक बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में सबको डाल रहे हो टेस्ट करके, राइट, एंड यू आर पुटिंग देम इन एन एनवायरनमेंट, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि थूक लगा रहे, थूक पड़ रहा है भाई, आपने टेस्ट करके बंदा सेट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला, तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर सब्स्टिट्यूट्स एक साथ ही बैठ जाए, दिखावा है एक तरीके से कि देखिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, जो कि बिकॉज द पॉइंट इज आप बाकी सबको तो अभी भी यही बोल रहे हैं, राइट, कि आप घर पे रहें। जी बिल्कुल, तो ये मिक्स्ड मैसेज किस टाइप का है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, बस मिक्स मैसेजिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भाई बाबू, मुझे जो लगा है बिहाइंड दिस स्टार्टिंग ऑफ फुटबॉल, द मनी हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। फर्स्ट, एंजेला मर्केल हैज क्लियरली सेड दैट फुटबॉल इज वेरी लो डाउन ऑन हर प्रायोरिटी, व्हिच शी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग, व्हिच इज पब्लिश्ड ऑल ओवर। एंड ये जो परमिशन मिला है, परमिशन किस तरीके से आजकल मिलते हैं ऑल ऑफ अस नो, मतलब जैसे कि हमारे देश में दारू के दुकान खोलने का जो परमिशन दिया जाता है, या इन कैलकटा ये अजम्पशन है,
assumption hai, but it has been proved time and again what is what. So that Cologne defender has clear, midfielder has clearly said, I forget his name, he has clearly said that he doesn't want to play, or it's not right. There one more player who has gone on record to BBC saying that what is the guarantee that people's life has not been put on put in danger. Then I also have that one other question, because we often talk about this, like, why are we talking about football in this time in any case? Because somehow we always come back to it, right? And it's because we also want to play, right? So how is it that some guys at this elite level are getting the chance to play, but the tens of millions, jo hum kehte hain ki ye lokpriya khel hai duniya ka sabse, कि दुनिया भर के किसी भी देश में आप जाएं वहां पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं. लेकिन आज का जो इवन जर्मनी में आप अगर आई थिंक आई एम नॉट श्योर मे बी आई एम रॉन्ग बट कॉमन अगर आप हम लोग जर्मनी में बैठे होते तो हमें शायद बाहर जाके खेलना अलाउड नहीं होता. पता नहीं, आई डोंट नो क्या रूल्स है, क्या चल रहा है. लेकिन वो तो है ही है सिद्धांत, 96% ऑफ वर्ल्ड्स फुटबॉल इज एमेच्योर फुटबॉल. इवन इन जर्मनी, Germany amateur football setup is huge, huge. So but is that, so is that, allowed to play? Are they being allowed to play or not? आप उसको regulate नहीं कर सकते ना, you can't monitor it at that level. You can still monitor 10-15 teams in the Bundesliga who are of course being backed by the teams with the finances, the teams are backing them. So it's not completely that the German federation only do it. It'll be a coming together of the club and the federation and the broadcaster, right? To do that. अब आप कह रहे हो कि मुझे जी मुझे प्लाजा फान जाना है जनाब खेलने के लिए, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे सर? कैसे कैसे अलाउ करेगा वो आपको? नहीं सर, मैं चल मेरी बात तो अलग है, बिकॉज इंडिया में नहीं हो रहा है ना ये सब. हमने तो आईएसएल का सॉरी आईएसएल आई लीग अभी कोई जो इंडिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होने थे वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं वेल इनटू लाइक फेब एंड ऑल ऑफ दैट. सो इंडिया इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर. माय क्वेश्चन वाज जस्ट लाइक जयदीप इज सेइंग, इफ 90-90 से ऊपर प्रतिशत जो फुटबॉल होता है जर्मनी में भी वो एमेच्योर लेवल पे होता है, क्या वो चल रहा है या बंद है? राइट, बिकॉज आप फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जो कह रहे हैं फॉलो द मनी या इट कम्स डाउन टू दैट, इट्स बिकॉज द बिटवीन द ब्रॉडकास्टर्स एंड द लीग एंड आई गेस द क्लब्स हैव टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. बिकॉज जब जब कल को ब्लेम आएगा वो ब्लेम देन ना ब्रॉडकास्टर उठाएगा ना जनरली लीग उठाएगा, क्लब 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 भी आएगा कि यार आपने कुछ किया होगा गलत, आपका आप ट्रेनिंग में आप मेंटेन नहीं कर रहे. देखिए उसका सिस्टम क्या है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ. ये वर्ल्ड फुटबॉल का फिनोमेनन है, प्रॉब्ली पोस्ट दिस पेंडेमिक आई डोंट नो इफ इट विल चेंज और नॉट, बट द पॉइंट इज क्लब्स आर शेलिंग आउट सो मच मनी ऑन प्लेयर्स, इट इज एट अ एस्ट्रोनॉमिकल फिगर. राइट नाउ विदाउट ब्रॉडकास्ट मनी, if you're not going to get that broadcast money, and it's reality now, right? Even if you've not gotten 40% of that broadcast money, you've already got 60%, 40% is remaining. Aapke lag gaye, vaande lag gaye hain janab. To aap keh rahe ho, main kaise apna club chalaunga without this 40% broadcast money? To I will go in the red even further, ki main player ko paise nahi de paunga. आप समझ रहे हो? तो वो सिस्टम तो बहुत दूर की बात है सर, ये तो शॉर्ट टर्म है ना, कि मैं अपना इस सीजन का कैसे निकालूं, प्लेयर को पैसे कैसे चलूं, और मैं बिकॉज द मेन थिंग इज सैलरी, प्लेयर सैलरी इज द बिगेस्ट एक्सपेंस ऑन अ क्लब. यार बट यार आई डोंट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब्स दैट आर कॉल्ड बायर्न म्यूनिख एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड. हम मतलब गढ़वाल एफसी की बात नहीं कर रहे भाई. आप पैसे भी तो देखो कितना दे रहे हैं वो प्लेयरों को. नहीं तो अगर 2-3 महीना 4 महीना अगर सीजन रद्द कर दिया जाए, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी मिलियन डॉलर फुटबॉलर्स, सो लेट्स आल्सो कीप दैट इन पर्सपेक्टिव, राइट? कि जो आप जो भी आप एक्सेप्शंस कर भी रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जिन जो वैसे भी 0.1% हैं, हु ऑलरेडी हैव एक्सेस टू द best physical training, so probably the immune system etc, like people are saying. Again, none of this is based in, we are all like pakka hame kuch nahi pata hai, but jo doctors wagera keh rahe hain ki aapki immunity se bahut fark padta hai, to ye log matlab jo hamare athlete hai wo hamare best physical specimens hain, to probably they are best already. On the other hand, secondly, they have all the also said sorry there are reports and research that also says the opposite, that footballers and elite athletes are vulnerable to
COVID easier. Catching the infection, perhaps. Yeah. But then, like, how you recover, deal with it, that's the larger issue, right? Like, infection to flu, for example, काफी लोगों को होता है, but उस flu से कितने लोग मर रहे हैं, हमें, I guess, उससे ज़्यादा मतलब है. तो medical facilities भी आप अगर इन लोगों की देखें, अगर क्लब से सपोर्ट ना भी मिले तो दीज गाइस कैन अफोर्ड मेडिकल हेल्प फ्रॉम प्रोबेबली द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल इन देयर कंट्री एंड दे डू आई एम श्योर राइट सो दीज गाइस नॉट गेटिंग पेड फॉर सम टाइम दीज क्लब्स मोस्ट ऑफ दीज क्लब्स आर ऑलरेडी इन द रेड राइट एंड जस्ट लाइक दिस विल पुश ओवर टू नो रिटर्न सो ब्रदर जस्ट लाइक इन द रेस्ट ऑफ एवरीवेयर एल्स इन द इकॉनमी गवर्नमेंट्स आर अनाउंसिंग बिलियन और ट्रिलियन डॉलर के जो स्टिम्यूलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं दुनिया भर में हर इंडस्ट्री के लिए उस इंडस्ट्री में आई गेस मीडिया इंडस्ट्री तो पक्का शामिल है बिकॉज जो जैदी बात कर रहे थे मीडिया जो मीडिया मोनोपोलीज हैं कंग्लोमरेट्स हैं बड़ी मीडिया कंपनीज हैं ये हर देश में जो पावर स्ट्रक्चर है उसके काफी क्लोज निजी हैं राइट जो भी आई मीन मॉडर्न डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ दिस स्टेज मैनेजमेंट कहें आपको इंफॉर्मेशन कहें जो भी कहें राइट सो इस लेवल पे तो सब चल ही रहा है वो तो सब सॉर्टेड ही है बट स्टेज गाइस आई डोंट मीन टू बी अ जर्मन बट टाइम इज रनिंग आउट सिंपल सी बात है देखो अगर 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 डीएफबी which yes, is sir. Of course the German Football Association has gone to the government and said sir these are the guidelines this is how we will follow it and this is how we will execute it right unka kaam hai ye karna they have every right to say please resume ali right unke upar hai and the government has said okay how will you do it how will you protect them and how will you not let the effects come on to what we are already facing as far as the citizens are concerned ab agar federation ne bol diya hai ki hum kar rahe hain aur agar government ne kaha ki je theek hai aap kar lo ha तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है एज टिल द टाइम देयर इज नॉट वन केस ऑफ कोविड 19 दैट इज डिटेक्टेड आउट ऑफ दिस लीग नाउ व्हिच इज रिज्यूम सो यू आर इंक्लूडिंग एंड इफ पुल इट ऑफ विदाउट विद इफ व्हाट डू यू मीन यू पुट इट देयर इज नाइन एवरीवन नाइन एफसी कोल्न पे आई डोंट नो कोल्न प्लेयर्स हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड बाय द वे एग्जैक्टली सो देन इट्स बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर ना भाई देन दैट्स द थिंग इट्स बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर देन ना यार वो दूसरी बात है अगर आप थिंग सब अपने नजरिए से देख तो रहे मैं मान रहा हूँ आपकी बात आप कह रहे हो कि हाउ आर यू लेटिंग दिस हैपन व्हेन इट माइट हैव एन इंपैक्ट ऑन हेल्थ केयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पर अगर मैं कह रहा हूँ जी मैं अपना साइड में अपना कर रहा हूँ और मेरे पास फाइनेंसिस है एग्जीक्यूशन करने का मेरे पास पावर है एंड आई कैन पुल इट ऑफ और आपने अगर मेरी सारी चीजों से आप सहमत हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है चल May I ask like a question that like perhaps like all of you can answer and that can also be really the question that I think is important since I also watched the game is does football without fans in the game in the stadium even make any sense? Like aap sach batao na agar fans nahi hai stadium ke andar aur aap football aap bas broadcasting purposes paise in sab cheezon ke liye aap khel rahe hain koi matlab banta hai? Nahi mere khayal se बिना स्पेक्टेटर्स से स्कूल गेम्स स्कूल फुटबॉल भी अच्छा नहीं लगता इवन अर्जुन यू हैव प्लेड फुटबॉल व्हेन योर स्कूल वाज प्लेइंग एटलीस्ट 200 पीपल बॉयज वर चीयरिंग यू एंड गर्ल्स आल्सो नो आई एम श्योर ओनली 10 गर्ल्स सुषमा प्रियंका एंड ऑल दीस गाइस सो फुटबॉल इज एन यूनिक गेम फुटबॉल इज नॉट बॉक्सिंग फुटबॉल इज नॉट आर्चरी Boxing, I should not say. Boxing has huge following. Football is not archery. Football needs people. Because even if I am not there, when there are 20,000 people or 50,000 people on the ground, I get a feeling out of it. One thing jo hum is podcast mein, like, aap log hamesha baat karte rehte hain, it is also like ki log jaate nahi hain dekhne. स्टेडियम्स खाली रहती हैं क्लब्स को क्लब का सपोर्ट स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही गड़बड़ रहता है क्योंकि कम्युनिटी नहीं आती है और दूसरे एंड पे हम मतलब मैं बड़ी खुशी हूँ आई एम अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ मुझे शर्म आ रही है अपने आप की मैंने बैठ के मैच देखा खाली स्टेडियम था पर मैंने बैठ के पूरा मैच देखा मतलब समझ में नहीं आ रहा बियॉन्ड म्यूनिख खेल रहा है या दिल्ली डायनामोस खेल रहा है बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात
बिल्कुल सही सर, सर, नहीं समझ सर, नहीं समझ में थोड़ा सा आ रहा था क्योंकि बेटर खेल रहे थे एंड प्लस लाइक दैट टॉप ऑफ द लीग. एक एक सॉरी ये मैं मानता नहीं हूँ आपकी बात. देखिए जनाब, हम कौन से यहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में रह रहे हैं पहली बात, ठीक है. आप बाहर जाके देखो, आदमी ऑरेंज जूस लेने जा रहा है, लग रहा है ऐसे कि वो डाका मारने जा रहा है, ठीक है. कल मैं वहां पे अपने किराने की दुकान पे गया, वो मेरे को पूछ रहा है भाई आप हमें लूटने आए हो क्या, क्योंकि मैं तो पूरा कवर्ड था. अब दीस आर द टाइम्स यू आर लिविंग इन. तो ये एडजस्टमेंट का टाइम है जनाब. एडजस्टमेंट का टाइम कितना टाइम चलेगा, एक साल चलेगा, दो साल चलेगा, वो हमें पता नहीं है. पर एडजस्टमेंट के टाइम पे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी नॉर्मल. जनाब आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एक वो बहुत बढ़िया किस्सा आप सुना रहे थे थोड़ी देर पहले, कटआउट वाला किस्सा, किस प्रकार वैभव जैसे लोगों को लगे कि स्टेडियम में वो अकेले बेचारे नहीं है. बताइए थोड़ा. बताऊं क्या है भाई. I don't know about जयदीप सर, पर अपने अंदर ना वो एंटरप्रेन्योर वाली आत्मा है ही नहीं. नहीं है. हम तो वो है कि मतलब अबे स्टेडियम खाली, अबे स्टेडियम खाली क्या कर रहा है. अब यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ने क्या सोचा है, उसने कहा कि मैं कटआउट्स तो लगा दूंगा, चलो ठीक है, टू शो द देयर आर पीपल इन द स्टेडियम. ऊपर से बिकॉज़ ही गॉट इन टच विद द क्लब, आई थिंक देयर इज मुंशन ग्लैडबैक, ही डिड विद मुंशन ग्लैडबैक. उसने क्या कहा कि पुट इट ऑनलाइन, और उसने कहा कि एवरी फैन फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, स्मॉल सम ऑफ मनी, यूरोस समथिंग, यू कैन सेंड योर पिक्चर इन एंड आई विल मेक श्योर योर फोटो इज ऑन दैट कटआउट, सो दैट कटआउट belongs to you. So you can have a season ticket as in for the remainder of the season. जितने भी आपके मुकाबले बाकी है, उस शक्ल को फिर हम हर होम गेम में लगा के रखेंगे वहां पे, और वो आपकी सीट होगी. और जनाब, so they were expecting close to 2000 people. अभी तक till date 18,000 लोगों ने already request डाल दी है भाई. हाँ, ये तो मतलब जर्मन फैंस तो वैसे भी पागल होते हैं. नहीं तो मुझे एक बहुत ही अच्छी इस तरीके के नंबर से मुझे याद आया, आपको याद है वेम्बली पे जब बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न म्यूनिक का चैंपियंस लीग फाइनल था काफी साल पहले, शायद वेम्बली में. हाँ, दोनों टीम्स को कुछ 40,000 टिकट्स बांटी गई थी, हाफ हाफ किया गया था. उस समय डॉर्टमुंड, द सिटी ऑफ डॉर्टमुंड, सिटी ऑफ डॉर्टमुंड का पॉपुलेशन है कुछ अराउंड 2 लाख और समथिंग, एंड करीब 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था कि हमें टिकट चाहिए वेम्बली के लिए फ्रॉम डॉर्टमुंड इटसेल्फ. तो अगर आप उससे अगर आप जाते डॉर्टमुंड तो आप किसी के भी घर चले जाते, देयर वाज लाइक अ 1 in 4 चांस कि वो घर खाली था और आप लूट सकते थे. मुझे एक ही चीज लगता है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट आई हैव अ फीलिंग फुटबॉल एंड फैंस आर इंटरकनेक्टेड. Absolutely. ये you are wrong, sir. Corona, sir को म्यूट किया जाए. मुझे लगता है कि अगर ये कनेक्शन बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, बिकॉज ऑफ डीएफबी और वॉट एवर, ये कनेक्शन एक बार ब्रेक हो जाए, इफ दिस बिकम्स नॉर्मल, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द गेम. जैसे लाइक हम अगले शो में जयदीप की जगह जयदीप का कटआउट लगा देंगे. बात है क्या फर्क पड़ता है, नहीं चलेगा. जयदीप से बोलते हैं, बात करते हैं, नहीं तो आवाज निकालते हैं, बट पॉइंट उससे फर्क पड़ता है. फैंस की भी आवाज है. अगर फैंस खुश हैं कि अपने कटआउट से, मतलब अगर मैं फैन होता तो सॉरी, बट लाइक माय आंसर वुड हैव बीन दिस टू लाइक टू टेल दिस क्लब टू जस्ट लाइक टेक अ हाइक मैन एज इट इज यू आर लाइक. मैच एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बट मैं लाइक जयदीप सर ने मैच देखा था, अर्जुन आपने भी देखा था, आपको लगा था इंटेंसिटी ऑफ प्ले थोड़ा सा कम था? मैं सिद्धांत से पूछ ही नहीं रहा भाई. देखो जी, इंटेंसिटी ऑफ प्ले के बारे में आप बात करोगे, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आउट ऑफ 2 months 1.5 months दीस प्लेयर्स हैव बीन होम 100%. नहीं नहीं, मतलब ठीक है. आप बताइए ना मुझे कोई चिल्ला नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, साले भाग, कोई उसके पीछे नहीं लगा रहा. The boys just want to play. They want to stay on their feet. बहुत टाइम हो गया है. बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है ना, वो प्रेशर नहीं है, आप बॉक्स के अंदर घुस के यू आर ट्राइंग टू प्ले. मान गया आपकी बात. मैं सॉरी, मैं एक कार्डबोर्ड वाली चीज पे मैं बोलना चाहता था
कि आईएसएल वालों ये जो आप स्टैंड्स को कवर करते बहुत हो अच्छा ना आइडिया है जनाब, कार्डबोर्ड लगाओ और पैसे भी बनाओगे। गेम चेंजर गेम चेंजर। अब देखिए सर नंबर कितने आते हैं। झूठ मत बोलिए आप तीनों तो 100% अपना कटआउट हर हर क्लब में हर स्टेडियम में सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ओनली वन फेस विल बी पुट। आई डोंट वांट टू नेम। आई थिंक और कुछ होना हो भाई, ये बहुत बहुत बेहतरीन आइडिया है। जो हालात हमारे हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री के या जो हमारा लाइन ऑफ वर्क है उसके, और कहीं लगे ना लगे प्रेस बॉक्स में तो पक्का कटआउट लग ही जाने चाहिए। प्रेस बॉक्स में तो कटआउट ही लगते हैं यूजुअली। मुझे लगता है आई एम एन ओल्ड फैशन्ड मैन, स्पेक्टेटर्स आर लाइक लक्ष्मी। डिस्करेज लक्ष्मी टू गो आउट ऑफ द हाउस, to encourage them to go out of the house is not, may not help, mujhe lag raha hai. Maybe it is only for a short time. And if we look at any aspect of the entertainment industry other than film, film and television, which always has been, even there, of course, cinema halls and things like that, that's a separate part of it. But at least Arjun is right. Extent because Amitabh Bachchan films are being released on social media platform. And I think producers are INOX owners are very unhappy about it. Lekin hai ab kya kar sakte hain, which Arjun is perhaps right. I don't think comparing film to football is an appropriate comparison. No. I think comparing theater to football is like more appropriate. What I'm saying is, if you look at everything, but theater is well rehearsed. Football is impromptu. So it's theater jab log dekhte hain chup 3 ghanta dekhte hain. They don't cheer in the middle. अलग-अलग टाइप का थिएटर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटा थिएटर जो फॉर एग्जाम्पल थिएटर वो काफी पार्टिसिपेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि there is black and white. What I'm saying is, एक तो ये अनडाउटेड है कि जो आप सब लोग बोल रहे हैं हम सब लोग बोल रहे हैं कि खेल अब पता चल गया है क्लियरली विदाउट एनी डाउट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, मे बी दिस वॉज ऑलरेडी फैक्ट नोन टू एवरीवन एंड व्हाटएवर इट इज, बट खेल से बहुत कम मतलब रह गया है। एंड स्पेशली इस खेल में विच वॉज सपोज टू बी ये मास स्पोर्ट, लोकप्रिय स्पोर्ट, ये वो जो भी पीपल के एस्पिरेशंस को एम्बॉडी करता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत जो हम रोमांटिक कहानियां सुनाते हैं, ये सब इस सब का बहुत कम मायने रह गया है। और जो मतलब मैसेजिंग हमारे लिए आ रहा है एज टू फैंस इज दैट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज स्पोर्ट एट दिस एलीट सॉर्ट ऑफ टेंपल क्लाउड लेवल, व्हिच मे बी आफ्टर दिस थिंग चेंजेस वील गो बैक टू अ फॉर्मेट वेयर थोड़ा बहुत जिनके पास पैसे होंगे वो टिकट खरीद के इन लोगों को देख पाएंगे। बट बेसिकली जो मैसेजिंग है कि आप आए ना आए ये चलता रहेगा और हम we'll find ways, if not you some other bakra, we'll find to make sure that this keeps carrying on, which is really I think that's a great way to end. No, it may be cynical and I hate to say this here because it's something that we should be celebrating, but I feel like on so many levels, man, resuming this when half the world is in like a desperate condition, just on that pure solidarity basis. वैसे तो हम बहुत बोलते रहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट देन वी आर लाइक गिविंग द इम्प्रेशन दैट सम पीपल कैन लिटरली गो आउट टू द गार्डन एंड हैव फन एंड गेम्स, दैट्स लिटरली वाज हैपनिंग, व्हाइल हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज काइंड ऑफ इन लाइक द वर्स्ट इकोनॉमिक एंड other whatever economic condition that they've been in, we have been in for many years. So
conversation. In probably a month's time, when you probably had 3-4 rounds of this game taking place, because then you'll have more data on your hand as to how it's impacting the other parts of society, if they are impacting, and how they're managing, within their own framework. So, wo to hai. I guess also like jo log wahan pe based hain, jo I'm sure jo hamare sawal hain, wo itne koi matlab kisi aur jagah se nahi aa rahe hain. तो जो हमारे हमारी तरह के लोग हैं वहाँ पे जो कवर करते हैं बुंडेसलीगा को, वो भी यही सवाल पूछ रहे होंगे और इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे. तो आई गेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमारे पास कुछ जवाब भी होंगे और कुछ आइडिया होगा. तो आइदर वे जो भी हो, जो बाकी देश है, फॉर एग्जाम्पल अब हिंदुस्तान में हम बात करना शुरू करेंगे कि खेल कैसे रिज्यूम होगा, कैसे दोबारा शुरू होगा, चाहे एलीट लेवल पे हो या ग्रास रूट्स पे हो. तो इन लोगों से जिन्होंने पहले शुरुआत की है, हम क्या सीख सकते हैं, क्या सिस्टम्स इनसे हम ले पाएंगे, तो ये सब या फॉर श्योर जानकारी तो मिलेगी ओवर टाइम. सही बात. हाँ जी, एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू ऐड? एंड आर यू गोइंग टू बी वाचिंग द रेस्ट ऑफ द गेम्स गाइस? आई मीन एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली सॉ द कोरियन लीग आल्सो, सो आई एम लाइक व्हेन इट कम्स टू लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 अबाउट डेस्परेशन फॉर फुटबॉल, आई एम 34. Sir, up. So I may not watch every game, but I will watch. The Saturday was a novelty factor was there involved in it. That was one of the reasons. But I don't know. As Siddhan says, I am not a great follower of Bundesliga also. Maybe La Liga is trying to resume. We will see what happens in La Liga. एक चीज है ना जो एक चीज just on a like a maybe anecdotal personal level. Not that any of this is the rest of this is based in fact. बट जो हम लोग जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो भी कहें, एटलीस्ट जो हम लकी इनफ लोग हैं जो ऐसे टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं अपना, हम दिक्कत में इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी जो पहले रूटीन थी जिंदगी की, सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को वापस आओ, मे बी दोस्तों वोस्तों से मिलो, थोड़ा स्पोर्ट वॉर्ट करो, कभी एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, एंड देन देयर वर फिक्स्ड टाइम्स जब आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी और उनमें एक था फुटबॉल. सो सैटरडे आपका या संडे जो भी दिन हो, इस समय से इस समय के बीच वो रिजर्व्ड होता था हर हफ्ते कि मैं ये करूँगा या ये मेरा सो वन पॉजिटिव डेफिनेटली इज कि दैट सेम्बलेंस ऑफ दैट हमारा जो भी कनेक्ट है लाइफ से इन टर्म्स ऑफ दैट रूटीन की, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है संडे है आज मंडे है कौन सा दिन है, ना नहा धो रहे हैं हम, ना कपड़े बदल के कहीं जा रहे हैं, स्पीक फॉर योरसेल्फ. सो या मे बी दिस होल थिंग कैन जस्ट बी नॉक्ड ऑफ. नो नो दैट्स ओके भाई, दैट्स ओके मैन. ओके सो आई जस्ट वांट टू से हां बोलिए सॉरी, जाते जाते बस ये कह रहा हूं YouTube कमेंट्स में आपसे सबसे पूछ रहा हूं कि इफ यू गाइस डिड मैनेज वाचिंग द बुंडेसलीगा गेम्स, इफ यू डिड मैनेज वाचिंग द बुंडेसलीगा गेम्स, टेल अस हाउ यू फेल्ट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव, कैसा आप लोगों को लग रहा था. और हम चारों के आई थिंक व्यूज समवॉट सिमिलर तो नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंट है, अपोजिंग है. सो हूज व्यू टू यू सॉर्ट ऑफ बैक, बिकॉज़ वी गिवन यू वेरीड वैरायटी ऑफ व्यूज ऑन हाउ वेदर दिस स्पोर्ट्स शुड हैव बीन स्टार्टेड, वाज इट टू अर्ली, नॉट टू अर्ली. तो आप बताइए यूट्यूब कॉमेंट्स में, एंड ऑफकोर्स एज ऑलवेज वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट फीडबैक, दैट्स फॉर श्योर. But I think हमने बोला था 20 मिनट का शो है, and there's like literally as you can see it's now over. Thank you. Anji, Baba, you wanted to show something? Oh yes. Here you go. Cut out. DVD. Thank you.